अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबा देना कि आप लोगों को हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर क्रेडिट हर्सी, जो अपने यूट्यूब के ऊपर हेयर स्टाइल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती है। लेकिन हाल ही में उसने एक वीडियो अपलोड किया था जहां उसने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था कि सुबह मेरे फादर ने मेरे को आवाज दी कि रात को हमारे डोरबेल के कैमरे में कुछ ही खौफनाक नजारा रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्हाइट सा फिगर जिसके दो हाथ और सर क्लियरली नजर आते हैं, गाड़ी के साथ आगे की तरफ जाती हुई नजर आती है और थोड़ी देर बाद यहीं पर आती जाती हुई नजर आती है। और ऐसे एक सिमिलर वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर इग्लोरूबियम कलेक्टिव, जहाँ पर हम लोग देख सकते है की हॉस्पिटल की एक कमरे की सीसीटीवी फुटेज में कुछ ही खौफनाक नजारा हमको देखने को मिला। There are a few dust particles floating about. But what is this? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक व्हाइट फिगर कुर्सी से जाते हुए दिखाई देता है और कैमरा के सामने आकर फिर गायब हो जाता है। तो इस दोनों फुटेज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई में ये कोई मखलूक था जो अपने आप को जाहिर करके फिर गायब हो गया, और या लाइट का रिफ्लेक्शन, इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर अल्बर्को डिल आर्को, जो मेक्सिको में एक गांव की नजदीक जंगलात में एक अबांडेंड जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। मकामी लोगों का मानना है कि ये जगह जादू के लिए यूज किया गया है और रात के टाइम अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है। जब इस टीम ने यहीं की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। ओहो, ¿qué es? ¿Ven algo? Ok, observa nada más, Tony, desde ahí no subas. Vamos a ver aquí, ve esto. ¿Ya viste? Acceso solo a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué sería un acceso únicamente para policía? Sí, sí lo escuché, güey. Fue como un lamento, ¿no? Muy grande. इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही लोकेशन के अंदर से किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है और उसकी थोड़ी देर बाद दोबारा अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं, suciedad. Mira, hoy traigo un aparato muy especial. Este aparato es una caja musical. Esta caja musical, cuando detecta algo, empieza a activarse completamente sola. Miren, ahí está encendida, ya prendió la luz. Frente mejor.
parece que ya está funcionando bien. Ya está funcionando correctamente. Si esto detecta algo, va a empezar a sonar. Ok. Lo vamos a dejar aquí. Mientras nosotros damos una vuelta, ok. ¿Viste? Allá. ¿Lo viste? Ahí hay algo. Ahí hay algo. No hay nada, güey. Yo vi algo como si se sumara aquí en esta parte. जैसे कि आप लोगों ने देखा, अल्बर्टो लोकेशन के अंदर एक डिवाइस प्लेस करता है और सेंसर के थ्रू उसको आसानी से पता चलेगा अगर इसके सामने से कोई गुजरेगा। और आगे बढ़ते ही उसको कुछ चीज नजर आती है, लेकिन बदकिस्मती से कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता। तो उसके फौरन बाद उसको डिवाइस की आवाज सुनाई देते ही वो फौरन जाकर उस जगह को चेक करते है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते है तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। ¿En serio? Ya pasan de las 2 de la mañana. Pasan de las 2 de la mañana. No manches. Atrás de ti, atrás de ti. Se oye atrás de ti. Atrás de ti se escuchó. जैसे कि आप लोगों ने देखा, डिवाइस के नज़दीक आते ही वो कैमरा के सामने गूगल टाइम दिखाता है, तो उस दौरान कुछ खौफनाक आवाज सुनाई देती ही एग्जैक्टली उनके पीछे एक सफेद सा फेस अपने आप को जाहिर करके फिर गायब हो जाता है। और इतनी एक्टिविटीज से तो साफ जाहिर है कि ये जगह हॉन्टेड है। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर रायन हॉर्स, जिन्होंने 9 साल पहले एक ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की, जहां पर डिस्क्रिप्शन पर मेंशन किया, जब मैं घर पर अकेला था तो उसी दौरान कुछ आवाजें सुनाई दी। जब दोबारा वहीं से आवाजें सुनाई दी तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं हॉल की तरफ बढ़ा तो मेरे को ये खौफनाक नजारा देखने को मिला। Second date. It's been okay so far, but what the fuck? This is what I mean. Crazy shit. Hello. Oh my fucking... Oh shit. Phone's upstairs. Oh my fuck.
जैसे कि आप लोगों ने देखा, सीढ़ियों की जानिब से लाइट ऑन ऑफ होते हुए दिखाई देता है। जैसे वो उसकी जानिब बढ़ता है तो सीढ़ियों में से काली परछाई ऊपर की जानिब जाती हुई दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफी खौफजदा हो जाता है और उसका मानना था कि उसे रात उसके अलावा घर पर कोई भी नहीं था। तो क्या वाकई में उसने ब्लैक शैडो कैप्चर किया और यह उनका कोई दोस्त जो उसके साथ फ्रैंक कर रहा था? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर उर्बक्स हेल, जो अपने चैनल पर अबांडन और हॉन्टेड जगह की इन्वेस्टिगेशन करके वीडियो अपलोड करता है। आज रात वो एक अबांडन स्कूल की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। ये स्कूल कई अरसे से वीरान पड़ा हुआ है और जब इसने ये की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही वो जब हॉल को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब बाहर निकलता है तो वहीं पर एक काली परछाई अपने आप को जाहिर करके फिर गायब हो जाती है। जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर कोई नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने देखा, सीढ़ियों में नीचे उतरते ही कहीं से किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है। उसे देखकर वो काफी खौफजदा होता है और जब दोबारा सीढ़ियों की नजदीक पहुंचता है तो एक शीशे का बोतल कहीं से आकर उसकी नजदीक लगता है। वो उसे देखकर काफी घबरा जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते है तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। क्या आप लोगों ने देखा, जब हॉलवे में वो आगे की जानिब बढ़ता है तो दरवाजे के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है जो चंद सेकंड बाद फौरन अंदर चली जाती है और वो इस चीज से बिल्कुल बेखबर होता है। तो क्या वाकई में ये अबांडेंड स्कूल हॉन्टेड है और यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है और या इसका कोई दोस्त जो ये एक्टिंग कर रहा है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक यूजर रियल विद चीज। जब एक रात वो हॉल पर बैठकर टीवी वॉच कर रहा था तो उसी दौरान उसकी छत से किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो फौरन बाहर निकलकर जब चेक कर रहा था तो कुछ ये खौफनाक नजारा हमको देखने को मिला। There's a lot of banging and scratching on my roof. I came out here to look and see. I don't see anything up there. I don't know what's going on. Hello? Do you hear that? Hello? Hello? Hello?
Hello? Hello? जैसे कि अब लोगों ने देखा, बाहर निकलकर छत की जानिब देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, तो यार्ड से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे यार्ड की जानिब बढ़ता है तो यार्ड में छोटे कमरे के पीछे एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है। वो बार बार उसको बोलता है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन वहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो रॉयल का मानना था कि वहीं से रेड आईज मेरे को नजर आते ही वो काफी घबरा कर घर के अंदर चला गया। तो क्या वाकई में एक शैडो फिगर को कैप्चर किया और या महज एक फर्जी वीडियो अपने आप को फेमस करने के लिए बनाई गई? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।